हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संस्कृत एमए सिलेबस के बारे में। ठीक है, अगर आप एमए करना चाहते हैं संस्कृत से तो उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, संपूर्ण सिलेबस क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ से आता है क्वेश्चन जो है, और बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए आपको, आपको कौन कौन सी बुक मेन तौर पर पढ़नी पड़ेगी जो कि पूरा सिलेबस आना चाहिए उसका, ठीक है, तो उसको हम आज विस्तारपूर्वक जानेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, अगर DU का सिलेबस देखना चाहते हैं या जामिया मिलिया इस्लामिया का सिलेबस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है मैंने पहले ही, तो वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, BEd का भी सिलेबस वहाँ दे सकता है। परंतु आज हम मेन बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप संस्कृत अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही है और क्या क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है, तो इसमें हम डिटेल करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है, इसके क्वेश्चन पेपर बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिर देख सकते हैं यार, ये JNU का सिलेबस है, मैंने मंगवाया था किसी से, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे MA संस्कृत के बारे में दे रखी है, सिलेबस टेस्ट एनी कवर आर द फॉलोइंग एरिया, नीचे हिंदी में भी दिया है उसके में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई। वैदिक एंड एकेडमिक स्टडीज दे रखा है, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर का दे रखा है, फिलोसफी का दे रखा है, संस्कृत पोइटिक्स दे रखा है, ठीक है, संस्कृत एंड मॉडर्न लैंग्वेज दे रखा है, संस्कृत लिंग्विस्टिक दे रखा है, कंप्यूटेशनल लैंग्वेज दे रखा है, कल्चर ट्रेडिशनल दे रखा है, इकोनॉमिक दे रखा है, पॉलिटी दे रखा है, संस्कृत ग्रामर, सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे ढंग से हम देखते हैं और सारा सिलेबस एक साथ देखेंगे और सारी चीज़ें बुक को भी साथ में डिस्कस करते हैं हम चलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मोटे मोटे तौर पे आपको पढ़नी है और ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, इसका सिलेबस सबसे अलग है भाई, आप देख के ही समझ में जाएगा, पढ़ना पड़ेगा आप, ठीक है। वैदिक साहित्य की बात करते हैं, वैदिक साहित्य में वैदिक एंड एकेडमिक स्टडीज, ठीक है, वैदिक साहित्य में आपको वेद का सामान्य परिचय पढ़ना है, वेद का सामान्य परिचय, वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेद के बारे में पढ़ना है, कालक्रम और प्रमुख भाष्यकार वेदों के बारे में भाष्यकार, ये आपको संस्कृत साहित्य की इतिहास बुक है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये बुक आप ले सकते हैं किसी भी राइटर की ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे या तो कपिल देव की या तो मासंकर ऋषि की, मासंकर ऋषि की थोड़ा सही है, अच्छे ढंग से दिया गया है, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, और संहिता ब्राह्मण आरण्यक ये भी सब इसी बुक में मिल जाएगा, वेद में पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों का योगदान ये भी देख सकते हैं, प्रमुख सूक्त का एक बात ध्यान रखना, इसमें ऋषि और क्या कहते हैं देवता कौन कौन से, सूक्तों का हमेशा याद रखना, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरणगर्भ सूक्त, नासदेह सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, ऋग्वेद, पृथ्वी संबंधित ऋषियों देवताओं का ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भी मिल जाएंगी, या फिर आप वैदि संग्रह ले लीजिएगा वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पंच महा यज्ञ आपको दर्शन, पौर्ण मास यज्ञ का सामान्य परिचय ये भी इसके लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, दस उप इसका एक बात का ध्यान रखना, इसकी कोई भी ऐसी बुक नहीं आती जिसका आपको सिलेबस मिल जाए, ठीक है, आपको DU का सिलेबस उठा के देखेंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाए, सिलेबस मिल सकता है इसका परंतु बुक नहीं मिलेगी, ठीक है, DU में अगर आप पढ़े हैं तो उसका सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग वही सारी चीज़ें मिलेंगी आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 उपनिषदों का सामान्य परिचय के ये सारी चीज़ें, वेदांग पढ़ लीजिएगा, शिक्षा कर्म व्याकरण ज्योतिष छंद ये तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, वास्तुकला भी आपको समान तौर पर आनी ही चाहिए, वैष्णव शाक्त आगमन सामान्य परिचय ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वैदिक साहित्य से यही सारी चीज़ें होती हैं जो अधिकतर पूछी जाती है आपको, इसके लिए संस्कृत साहित्य का इतिहास लेना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं, ठीक है, थीके? तो हम आगे डिस्कस करते हैं किसी अगले टॉपिक पर कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, थीके? हम बात करते हैं दर्शन से, दर्शन का सबसे पहली बात कि कोई ऐसे परफेक्ट बुक नहीं है जो सारी चीज़ें दी हो, आपको अलग अलग बुक पढ़नी पड़ सकती है इसके लिए, ठीक है। दर्शन इंडियन फिलोसफी सिस्टम, ठीक है, सभी दर्शनों के प्रमुख सिद्धांत, तो प्रमुख सिद्धांत क्या क्या उसमें चीज़ें बताई गई हैं दर्शन के बारे में, आप तर्क संग्रह ले सकते हैं, तर्क संग्रह यहाँ पे दिया हुआ है, ये बुक यहाँ, ये जो बुक मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली देख लीजिएगा, ठीक है। सभी दर्शनों के अनुसार सामान्य पदार्थ तत्व की संख्या, जैसे पदार्थ कितने हैं, नव द्रव्य कितने हैं, नव द्रव्य हो गए पदार्थ, छठ पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। तर्क संग्रह में थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी गई हैं परंतु आप एक्सटर्नल कुछ भी ले सकते हैं। प्रमुख ग्रंथ व लेखक एवं सर्वदर्शन संग्रह पुस्तक के बारे में समान जानकारी, प्रमुख ग्रंथ यानी कि जैसे न्याय दर्शन हो गया, न्याय इस तरह की सारी चीज़ें जो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तर्क संग्रह संपूर्ण पढ़ना पूरा, क्योंकि उसमें न्याय वैशेषिक के बारे में सारी चीज़ें बताई गई, मुझे लगता है। तर्क भाषा का सामान्य परिचय पढ़ना है, वेदांत सार संपूर्ण पूरा पढ़ना है, सांख्यकारिका संपूर्ण पढ़ना है, अर्थ संग्रह संपूर्ण, योग सूत्र, देखो ये ऐसे चीज़ें लग रही होंगी आपने कभी पढ़ानी है ना, लेकिन इसका नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, यही आपके लिए मोटिवेशन है कि आप इसके नाम के तौर पे आप इसके टॉपिक उठाइए और पढ़ना चालू कीजिए कहीं से भी जो भी मिले, कुछ दिनों में इसके पेपर होने वाले हैं वरना कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वेदांत संपूर्ण, अर्थ संग्रह संपूर्ण, योग सूत्र, चित्त वृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, अष्टांग योग और समाधि, ये आपको अष्टांग योग थोड़ा ना ये आपको वैदिक संग्रह में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा।
तो वहाँ से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो ये जितना भी है कवर, इतना इसको तो कवर ही करना पड़ेगा दर्शन का। टॉपिक वाइज पढ़िएगा तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्लियर भी हो जाएगा पेपर, ठीक है। 100 क्वेश्चन आता है शायद व्याकरण। अब व्याकरण से पूछते, व्याकरण भी पूछता है भाई साहब। ये लघु सिद्धांत कौमुदी, यहाँ पे मैं बुक दिखा देता हूँ, ये बुक है, इसके अनुसार आपको पढ़ना है अधिकतर चीज़ें। ये आप किसी के भी ले सकते हैं, रचना अनुवाद कौमुदी भी ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा क्या कहते हैं ये का सेंटेंस बनाने के बारे में दिया गया है। तो देखो, संज्ञा पढ़ना है, संज्ञा परिभाषा प्रकट सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, किसी के भी ले लीजिएगा, राइटर कोई भी हो। ये निशा गोयल की नई बुक बनाई है, ये वही है ये, इसके अलावा आप देख लीजिएगा, ठीक है। धातु, लकार, विकार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। समास, स्थिति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा ये जो बुक अभी बताई है मैंने। या बुक अगर देखना है तो सारी बुकें कौन कौन सी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। समास, स्थिति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कारक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, वाच्य परिवर्तन, वाच परिवर्तन बताया था, और ये सामान्य परिचय, स्पष्ट चिन्ह की प्रमुख रचना व रचनाकार, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही पड़ेंगी, कौन सा क्या लिखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अन्य आगे मैं बता दूंगा कौन सी बुक में पढ़ना है, वहाँ जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन सी बुक कहाँ से। अब बात करते हैं साहित्य के बारे में, कि साहित्य, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में, ठीक है। पोइट्रीज एंड ऑथेंटिक्स, रचना व रचनाकार चिरंतनी से पढ़ना, एक बात ध्यान रखना, चिरंतनी, अगर कोई भी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, चाहे आप एग्जाम दें आगे या ना दें, पर चिरंतनी बुक जरूर रख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। नाट्य हो गया, रस हो गया, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपको चिरंतनी मिल जाएंगी, ठीक है। काव्य प्रकाश, ये सारी चीज़ें आपको, रस सिद्धांत हो गया, काव्य प्रकाश हो गया, काव्य के प्रमुख सिद्धांत हो गया, नाट्य वृत्ति का हो गया, रूपक और उपरूपक के बारे में आपको पता चलेगा, साहित्य दर्पण के बारे में पता चलेंगे, तिथि रस के बारे में, शब्द अलंकार, साहित्य लोचन की बुक आपको मिलेगी, वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, साहित्य के लोचन में आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ देखिए। प्रमुख अलंकार व लक्षण व काव्य गुण, क्या कहते हैं, चिरंतनी बुक में ये बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रमुख ग्रंथ, महाकाव्य नाटक, रघुवंशम की रचना, जुनियम, शिष्यपाल, नरसिंह चरित, कुमार संभव, इसके लिए आप इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप चिरंतनी में भी पा सकते हैं। पहली बार हमेशा बोलो, चिरंतनी बुक को जरूर ले लेना, ठीक है। अभिघात, शाकुंतलम, ये सारी बुकें तो आपको पता ही है भाई, अभिघात, शाकुंतलम, मतलब हो गया भास का नाटक, तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपको कुछ भी हो। यहाँ अन्य दुख, कादम्बरी, मेघदूत, नीशतक, हितोपदेश व अन्य मन के प्रमुख ग्रंथ सूक्ति हैं, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में जितनी भी बुकें लगी हैं उसका राइटर वाइटर सारी चीज़ें और कहानी आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। संपूर्ण साहित्य में प्राप्त विशेष सूक्तियाँ कितनी हैं, कितनी भी हों, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी ही है। ये बुक मैं पहले बता रहा, बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक अलग से वीडियो बना के, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है वो आप बुक 100% ले लीजिएगा, और यहाँ पे जो दिखाई गई बुक है वो तो आप 100% संस्कृत साहित्य का इतिहास और चिरंतनी, ये बुक तो भाई ले लीजिएगा, क्योंकि सारा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दर्शन वर्शन के लिए आप अलग कोई बुक ले लीजिएगा, उसको लेना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। अब थोड़ा पढ़ते हैं कि यार थोड़ा अन्य और तौर पर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, थोड़ा ये संस्कृत लिंग्विस्टिक का पे लिंग्विस्टिक में पूछा जा रहा है। लिंग्विस्टिक के लिए भाषा विज्ञान की आप बुक ले सकते हैं, परंतु उसमें सिर्फ भाषा के भाषा विज्ञान के बारे में देखिए चीज़ें बताई गई, कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा सारी चीज़ें अलग बुक में बताई गई, आप देख लीजिएगा कोई बुक, ठीक है। संगणकीय भाषा विज्ञान और उसके अंग, कंप्यूटर के बारे में सामान्य अध्ययन, संस्कृत संगणक के लिए उपयोगी, संस्कृत भाषा विज्ञान और संगणक भाषा विज्ञान में संबंध, यूनिकोड, ये सारी चीज़ें आपको अलग बुक लेनी पड़ेगी। भाषा विज्ञान अगर आपको पढ़ना है भाषा विज्ञान, तो वो आप भाषा मतलब भाषा के बारे में या भारोपी भाषा के बारे में पढ़ना है तो आप ले सकते हैं भाषा विज्ञान, ठीक है, पर इसके लिए आप कोई दूसरी बुक ले लीजिएगा। भारतीय सामाजिक चिंतन, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संस्कृत, शिक्षा व्यवस्था, आसन व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, ये शायद आपको संस्कृत साहित्य की इतिहास की बुक में मिल जाएगा, उमा शंकर की, ऋषि की, या फिर कपिल देव की ले लीजिएगा आप, ठीक है। पुराणों का सामान्य परिचय उमा शंकर ऋषि में मिल जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से रामायण भी मिल जाएगा, महाभारत भी मिल जाएगा, और ये चीज़ आपको चिरंतनी में बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगी, शॉर्ट में जो आप पढ़ के कोई पेपर क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। गीता में प्रमुख सूक्तियाँ, ज्ञान, कर्म, योग, इसके लिए आप सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता ले सकते हैं, या फिर गीता का द्वितीय अध्याय गीता विमर्श ले सकते हैं, ये चीज़ें आपको ले लीजिएगा, आपका इसमें क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं भारोपी भारतीय यूरोपीय अध्ययन में संस्कृत की भूमिका और समान संस्कृत और इंडिक अध्ययन केंद्र भारत एवं अन्य देशी, देखो इसके बारे में आपको ना, ये संस्कृत एवं वर्ल्ड लिटरेचर में ये बुक लगी होगी आपके DU के सिलेबस में, DU का सिलेबस देखा होगा आपने तो उसमें लगी हुई है बुक, ठीक है, एक सेमेस्टर में वहाँ से ही आप सिलेबस पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से।
वर्ल्ड लिटरेचर में खगोल विज्ञान और गणित सामान्य अध्ययनीय थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। इसके लिए ये आप क्या क्या चिरंतनी का यूज कर सकते हैं, चिरंतनी में भी थोड़ी बहुत दी गई, पर ये चीज़ें नहीं दी होंगी मुझे लगता है, शायद मुझे उतना ध्यान नहीं है, पर चिरंतनी आप ज़रूर ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत मिल सकता है। ये संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाएं सामान्य अध्ययन हो गया, पर्यावरण प्रति जागरूकता हो गया, विज्ञान और तकनीक, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी है, एक भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, वरना पेपर आप नहीं कर पाएंगे, आप हराश हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होता ना, ये सिलेबस तो आपको लग रहा हो कि मैंने पढ़ा हुआ, परंतु ये पता है इसका कंपेयर करो एक संतरे से। संतरे में क्या होता है पता है, छिलका किसी काम का नहीं होता, परंतु संतरे की जो छीमियाँ होती है वो मैन इंपोर्टेंट होती है। तो अभी तक जो आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है ना वो छिलका है, ठीक है, मेन चीज़ें तो आपको छीमियाँ में मिलने वाली, तो इसको कवर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यार सिलेबस जो था यही था संपूर्ण सिलेबस। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, नेक्स्ट अपडेट जल्दी मिल जाएगा, कुछ दिनों में इसका फॉर्म भरा जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये मई वही में क्या कहते हैं, हाँ मई अप्रैल या मई में इसका फॉर्म भरा जाता था, और जून में पेपर होते थे एक दो महीने में। चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर्सनली कुछ पूछना है तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।